ग्रीटिंग्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है 5 तारीख, क्या हो गया, हाँ मंगलवार हो गया है आज, और कल 6 तारीख है। और कोई तो बता रहा कि कल की जन्माष्टमी मतलब 6 तारीख की है, कोई कह रहा 7 तारीख की है, तो पता नहीं भी 6 की है या 7 की है। तो शाम तक तो पता चल ही जाएगा क्योंकि मेहंदी वगैरह लगाएंगे ना, तो आंटियों से पूछ लेंगे। और अभी है ना दोपहर का टाइम हुआ है, तो मैं लंच बना रही हूँ। तो लंच में मैं बना रही हूँ दाल, दाल मैंने छोंक दी है और राइस बनने रख दिए हैं, और साथ में रोटी भी बना रही हूँ क्योंकि सुमित बोले मैं राइस नहीं खाऊंगा और मैं तो रोटी खाऊंगा, वो भी लाल मिर्चों की चटनी के साथ। हाँ चलो आपकी रोटी भी बना दूंगी, तो मैंने आटा भी गूंद के रख लिया है, अभी दाल राइस बन जाएंगे ना फिर रोटी बनाऊंगी, तो जो मन करेगा वही खा लेंगे, दाल राइस भी खा लेंगे और रोटी भी खा लेंगे, तो दोनों चीजें ही बना दी है मैंने। राइस भी लोगे? दाल तो थोड़ी सी प्लेट में, चम्मच देना कौन सी, ये छोटी दे दो राइस को दाल में। और अभी लंच बन के रेडी हो गया है, दाल भी बन गई है, राइस भी, और अभी रोटी बना रही हूँ। और सुमित है ना, पहले तो ये कह रहे थे कि मैं राइस नहीं खाऊंगा, लेकिन बनने के बाद उनका भी खाने का मन कर गया। ऐसे ही होता है, अगर हमारा कुछ चीज़ जैसे खाने का मन ना हो ना, लेकिन देख के या फिर उसकी खुशबू से ही खाने का मन कर जाता है। तो अभी बस सारे काम निपटा के लंच बना लिया था और बर्तन किचन सब साफ़ करके मैं लग गई हूँ कपड़े धोने। वैसे तो आज मैंने सोचा नहीं था कि मैं कपड़े धोऊंगी, मैंने सोचा था मैं बुधवार को धो लूँगी कपड़े, क्योंकि फिर वीरवार को धुलेंगे नहीं ना, तो इसलिए यही सोचा था। लेकिन फिर आज मैंने लगाई दी मशीन, वैसे भी थोड़े ही कपड़े हैं, बेडशीट वगैरह ही धोऊंगी, क्योंकि जो पहनने वाले कपड़े वो तो मैंने कल धो लिए थे। और इस टाइम है ना ये फ्री टाइम होता है, जैसे लंच बनाने के बाद हमारे पास कुछ काम नहीं होता, फिर तो शाम को ही काम शुरू होते हैं, तो मैंने सोचा चलो लगा लेती हूँ मशीन। और एक मेरे को है ना मेहंदी भी लगानी थी ना, तो मैंने सोचा मेहंदी भी लगा लेती हूँ साथ में और मशीन भी लगा लेती हूँ, तो पहले तो मशीन लगाऊंगी और उसके बाद ही फिर मैं मेहंदी लगाऊंगी। तो यहाँ पे सारी जो बेड शीट है वो मैंने निकाल ली है, मैली जो हैं और धुली हुई बिछा दी हैं, और साथ में डस्टिंग भी कर दी है, क्योंकि बेड शीट हटाते हैं ना थोड़ी थोड़ी मिट्टी सी तो आई जाती है, तो साथ में डस्टिंग करके डस्टिंग भी कर दी। आंटी और मम्मी तो गई पार्क में घूमने, आज मैं नहीं जा रही पार्क, और आज तो जल्दी भी जा रहे हैं, अभी तक धूप भी नहीं गई है, धूप भी अभी तो, और आज मैं नहीं जा रही पार्क घूमने क्योंकि मैंने सिर पे लगा ली है मेहंदी और कपड़े भी धो रही हूँ मैं, तो एक बार के तो धो रही हैं, एक बार के रह रहे हैं, और मेहंदी भी अभी 1 घंटे बाद धोऊंगी, तो इसलिए आज पार्क घूमने नहीं जा रही, मेरा आज पार्क का कैंसिल हो गया है। क्या ये जब घूम जा के करा फिर होगी, अब तो ठीक है। आप क्या करते फिर रहे हो? नाड़ी ब्लॉक हो रही है अच्छा। और लेट ही लगाई आज मैंने मेहंदी, दोपहर में लगाई है क्योंकि कल शाम को है ना मैं मेहंदी भिगोना भूल गई, याद ही नहीं रही मेरे को। वैसे सोचा तो था मैंने कि मैं शाम को भिगो लूंगी, लेकिन याद ही नहीं रही तो सुबह उठी ना तब मैंने मेहंदी भिगोई है, और उसके बाद भी फिर मैंने सोचा 3-4 घंटे तो भीगी रहने दो, उसके बाद ही लगाऊंगी, तो दोपहर में लगाई है, बस भाई 1 घंटा और रखूंगी, तो 3-4 घंटे तो रखनी चाहिए ही, लगाई है इतनी मेहनत करी है, लगती बहुत कम है, तो 3-4 घंटे में रखती हूँ कितना भी वो, तो आज मेरा इसीलिए पार्क जाना कैंसिल हो गया। और मम्मी के लिए भी मैंने भिगो रखी है मेहंदी, पर मम्मी आज नहीं लगा रही, मम्मी कल लगाएगी, सुबह सुबह लगा लेगी कल, कोई बात नहीं, आज कैंसिल हो गया तो कल चली जाऊंगी। और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी और आंटी को पानी देने, पार्क से आके मम्मी और आंटी दोनों यही बाहर ही बैठ गई है आंटी के घर के सामने। अच्छा तो यहाँ पंखे के नीचे बैठे, मन सची बाहर बैठे हो? अच्छा अच्छा पानी सही है, यहाँ पंखा चला ना दोगे अभी, हाँ ये थोड़ी पिंगल जाए, बस मच्छर ना खाओ इधर, हाँ मच्छर कम हो रहे है ना, और ठंड भी हो जाएगी रात में, पंखे की ठंडी हवा होगी क्योंकि बाहर से ठंडक आएगी ना, इसलिए ऊपर कौन सा आपका कनेक्ट हो रहा है फिर अपने तो हाँ।
और अभी लग गई हूँ मैं खाना बनाने, और आज खाने में मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। तो थोड़ा सा ही पनीर रखा था मैंने, कई दिन पहले पनीर बनाया था तो उसी में से थोड़ा सा पनीर बच गया था। तो सुमित बोले ये पनीर बचा हुआ ये ख़राब होएगा तो इसकी पनीर की भुज्जी बना लो, लेकिन थोड़ा था ना ये पनीर, तो मैंने सोचा अगर मैं पनीर की भुज्जी बनाऊँगी तो बिल्कुल ही थोड़ी बनेगी। तो वहाँ चलो फ्रोजन वाली मटर रखी है तो मटर पनीर बना लेती हूँ। और ये है ना इतनी जल्दी बनता, बहुत ही जल्दी बनेगी ये सब्जी, बिल्कुल सिंपल वाला मटर पनीर बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने दो प्याज ले लिए हैं और एक टमाटर ले लिया है, दो हरी मिर्ची ले ली हैं और दो लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और एक अदरक का टुकड़ा ले लिया है। बस मैं अभी प्याज को काटने लग गई। और ये सब्जी है ना इतनी जल्दी बनती है ना, बस 10-15 मिनट में ही सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। तो अगर जैसे कोई एकदम से मेहमान आ जाए उनको खाना खिलाना हो तो मटर पनीर की ये वाली सब्जी बना दे, बहुत ही जल्दी बनती है, कुछ भी टाइम नहीं लगता इसमें। तो मैंने सारी चीज़ें काट ली हैं, प्याज हरी मिर्ची टमाटर, तो सारी चीज़ें फटाफट से काट ली हैं और बस अभी तड़का लगा देते हैं। तो उसमें कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया है उसके लिए, और तेल में थोड़ी सी हींग डाल दी है, और हींग के बाद फिर मैंने डाल दिए हैं इसमें प्याज, और जब प्याज ब्राउन हो गए ना तो फिर मैंने हरी मिर्ची डाल दी हैं और लहसुन अदरक है ना मैंने कूट लिया था, तो लहसुन अदरक हरी मिर्ची ये चीज़ें डाल दी हैं। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ टमाटर, जब मतलब ये भी थोड़े पक गए ना लहसुन अदरक हरी मिर्ची, तो उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे। और अभी टमाटर को डालने के बाद मिला के, और अब इसमें मैं डाल देती हूँ मसाले। तो मसाले भी कुछ ज़्यादा नहीं डालूंगी, बिल्कुल थोड़े ही मसाले डालूंगी, एकदम सिंपल सी सब्जी है और इतनी टेस्टी बनती है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। जबकि ग्रेवी वाली जो मटर पनीर की सब्जी होती है ना उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा बनती है। सुमित तो सारी खा गए थे, मेरे को तो इतनी सी दी थी बिल्कुल थोड़ी सी, तो मैंने फिर करेले के साथ ही रोटी खाई क्योंकि करेले रखे थे, करेले ख़राब नहीं होते ना, तो मैंने जब करेले बनाए थे ना कल वाले तो वो रखे थे, मैंने उसी के साथ खा ली। तो बस अभी टमाटर डाल के और मसाले डाल के तो मैंने उनको पका लिया था थोड़ी देर, जब वो अच्छे से मसाले और टमाटर पक गए तो फिर मैंने इसमें पनीर डाल दिया है। और पनीर डालने के बाद ये जो फ्रोजन वाली मटर थी ना तो ये भी मैंने धो के रख ली थी, तो ये भी जल्दी पक जाती हैं। अगर वैसी मटर होना तो मैं इनको पहले डाल के थोड़ी देर पकाती, लेकिन ये तो जल्दी पक जाएंगे तो मैंने इसलिए बाद में ही डाल ली हैं। तो मटर भी डाल दी हूँ और अच्छे से मिला दिया, बस अब इसको 10 मिनट के लिए ढक के पका लूँगी। ये देखो पक गई है और अब इसमें मैंने डाल दिया है धनिया, तो बस सब्जी बनके रेडी होगी। है तो थोड़ी सी सब्जी क्योंकि थोड़ा था ना पनीर भी और मटर भी फिर मैंने थोड़ी डाली थी, लेकिन थोड़ी सब्जी है ना टेस्टी बनती है। तो बस सब्जी बना के रेडी कर दी है, अभी रोटी भी बना लेती। सुमित ने देख लो रात ने नमकीन लेने गए हैं, खाना खा पी के बोला नमकीन का पैकेट लेके आता हूँ, लेके नहीं आए क्या नमकीन? मैं क्यों झूठ बोलूँ, आप बोलो, मिली ना होगी है ना, इसीलिए आज बाहर घूमेंगे, सही मौसम हो रहा है। हमारे गली की तो लाइट भी बंद हो रही है, ये वाली फ्यूज हो गई होगी, उधर तो जल रही है, अंधेरा ही अंधेरा हो रहा, बाहर घूम लेते हैं थोड़ी देर। खाना तो हमने खा लिया तो थोड़ी देर बाहर घूम लेते हैं, इतनी अच्छी हवा लग रही है ना, ठंडी ठंडी, ठंडा मौसम हो रखा है, बाहर तो खाना खा के थोड़ी देर घूमना चाहिए ना, तो मैं सुमित दोनों घूम लेते हैं बाहर। सुमित अभी गए हैं अंजीर और अखरोट लेने, अभी खाना खा के और गली में घूम रहे थे हम, तो सुमित बोले चलो गाड़ी लेके चलते हैं, थोड़ा सा शहर का चक्कर लगा के आएंगे। और फिर सुमित को ये परचून की दुकान दिख गई, तो हमारे अंजीर और अखरोट खत्म हो रहे थे तो वही लेने चले गए हैं, तो बोले ये भी लेके चल पड़ते हैं, आए तो हैं इधर, तो अभी लेने गए हैं सुमित और मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ इनका। जनरल स्टोर है ये, बालाजी जनरल स्टोर, सारी चीज़ों का सामान मिल जाए इस पर, पूजा का भी परचून का भी, तो सारे सामान मिल जाए और रेट भी ठीक है इसके, तो इसीलिए ये दुकान के पास आए तो थे। सुमित बोले फिर खरीद ही लाता हूँ, मैं चलो खरीद लाओ, नहीं तो पतंजलि वाली दुकान से लेके आ जाते हैं ये वाली चीज़, लेकिन यहाँ भी सही मिल जाता है तो इधर से ही खरीद रहे हैं। तो ये लेके आए हैं दुकान से, अखरोट है, अंजीर है और छुआरे हैं, तो ये अभी शाम को रात को भिगो के रख देंगे और सुबह फिर खाली पेट खा लेंगे, अच्छे होते हैं ये भी। तो इनके साथ बादाम और किशमिश भी भिगोते हैं और फिर सुबह खाते हैं खाली पेट। तो पहले तो इनको डिब्बे में भर के रख दिया है मैंने, और अभी मैं है ना साबूदाना भिगोने लग गई क्योंकि मेरे को बनानी है कल सुबह साबूदाने की खिचड़ी, तो अभी रात को भिगो के रख दूंगी और सुबह फिर उठते ही इनका पानी निकाल दूंगी, और पानी निकालने के बाद फिर जब बनाने लगूंगी ना तो ये सही सूखे सूखे हो जाएंगे और फिर उससे खिले खिले बनते हैं। और अभी वैसे तो मैं सारा काम करके चली गई थी जब बाहर गई थी, लेकिन दूध पीना और दही जमाने ये काम तो बाकी थे, तो बस दूध निकाल लिया मैंने फ्रिज से और उसकी मलाई उतार दी है, और जब सुबह दूध गर्म करके रख देते हैं ना तो शाम तक बढ़िया मलाई आ जाती है।
और कुछ दूध की तो दही जमा लूँगी और कुछ पी लेंगे। और दही के लिए तो बिल्कुल हल्का गर्म करना पड़ता है, दूध तो दही का गर्म हो गया है। और इसी लुटिया में मैं दही जमाती हूँ, बहुत ही सुंदर लगती है मेरे को ये लुटिया, वाइट कलर की और इस पर पत्तियाँ बनी हुई ना, इससे बहुत ही सुंदर लगती है। और मैं रोज़ दही जमाती हूँ क्योंकि गर्मी गर्मियों में तो दही सही लगती है ठंडी ठंडी, तो बस दही तो जमा दी है। बस अभी पीने के लिए थोड़ा सा और गर्म करूँगी दूध को। मैं और मम्मी तो फिर भी हल्का हल्का गर्म दूध पीते हैं, लेकिन सुमित को ज़्यादा गर्म चाहिए दूध, उनको गर्म ही अच्छा लगता है। तो मेरे और सुमित के लिए तो मैंने बोनवीटा डाल लिया है मग्गों में, तो मैं और सुमित बोनवीटा का दूध पियेंगे। और मम्मी मीठा दूध पीती है, तो मम्मी के मैं चीनी डाल दी, पता नहीं मम्मी को मीठा अच्छा लगता है, मैं तो बिल्कुल भी मीठा नहीं पीती, फीका पीती हूँ बिल्कुल। तो बोनवीटा तो मैं कभी कभी डाल लेती हूँ, लेकिन सुमित बोनवीटा वाला ही दूध पीते हैं। तो बस दूध भी हमारा पीने के लिए गर्म हो गया है, और अभी सुमित अखरोट बादाम किशमिश ये सारी चीज़ें भिगोने लग गए हैं, तो मैंने आज इनको सौंप दिया ये काम, आप लेके आई हो ना, आप ही भिगो, नहीं तो मैं भिगो के रखती हूँ रोज, लेकिन आज इनको सौंप दिया, आज इनका नंबर है भिगोने का। और सुमित है ना सारी चीज़ इकट्ठे ही भिगो रहे थे, बादाम और इसके अखरोट के साथ किशमिश भी भिगो रहे थे, लेकिन मैं किशमिश अलग भिगो के रखती हूँ गिलास में। तो मैं वो पानी सुबह पीती हूँ ना, जो किशमिश का भिगा हुआ पानी है, तो सुबह खाली पेट पीती हूँ, तो मैंने इसलिए अलग करवा दी है किशमिश। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।